बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फोजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत आसान बनाने जा रही हूँ। इनके अंदर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने आधा किलो से ज़्यादा सफ़ेद चने लिए हैं, इनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। चार मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके छील के इनकी मैंने कटिंग कर ली है। दही मैंने ली है जी एक प्याली। प्याज भी मैंने चॉप करके इसको नमक लगाकर धोकर रख लिया है। दो मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैंने काट लिया है। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और दो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अच्छा जी, दो चम्मच मैंने लिए हैं जी चाट मसाला लिया है। एक चम्मच मैंने नमक लिया है और आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आज मैं आपको अपनी अम्मी जान का किचन भी दिखाऊंगी। अब सबसे पहले जी हमने क्या करना है, ये देखें जी, मैंने बड़ा बाउल ले लिया। अब इसके अंदर मैं चने डाल दूँगी। चने आपने अच्छे से बॉयल करने हैं। इसके अंदर मैं आलू भी डाल लेती हूँ। ये देखें, ये बहुत मज़े की चना चाट बनने वाली है। इन चीज़ों को मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँ। अब इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब इसके अंदर मैं नमक मिर्च और चाट मसाला डालती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अंदर मैंने एक चम्मच दही भी डाल दिया है। अगर आप दही ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पापड़िया और बूंदी ऑप्शनल है, वो मैं नहीं डाली, वो आपकी चॉइस है। अगर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मैंने ये वाली चीज़ें ली हैं। अब इसको मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश करती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार सी चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है, जो दिखने में भी बहुत मज़े की लग रही है और खाने में तो ऑटोमेटिक ही मज़े की होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी अम्मी जी का किचन दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये देखें जी, कुकिंग रेंज, यहाँ पर खड़ी होकर मैंने आप लोगों को साथ जो रेसिपी शेयर की है वो चना चाट बनाई थी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा किचन है। इस साइड पे मिर्च मसाले पड़े हुए हैं। आई होप कि आपको अम्मी जी का किचन बहुत अच्छा लगा होगा, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसकी ऑपोजिट साइड पर एक और चूल्हा पड़ा हुआ है, वो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे रश बहुत पड़ा हुआ है अभी चीज़ों का। ये देखें जी, हाँ जाते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। फीडबैक ज़रूर देते रहा करें मुझे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।